नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी अलग हटके है। अभी तक जो सीरीज चल रहे थे वो इंट्राटेक है, वो भी तो चलेंगे। उसके साथ साथ कुछ ऐसे सीरीज भी मैं ले आ रहा हूँ जो स्टॉक्स थोड़ी सी लंबी मतलब 6 महीने, 1 साल या 3 महीने के लिए आपको देखना पड़ सकता है। उसका भी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, मगर ये रैंडम नहीं होगा, रोज नहीं होगा। जब जब लगेगा तब तब हम इस वीडियो को पोस्ट करेंगे। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो और आपको पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर करो, जिससे और भी लोगों के पास ये वीडियो जाए। आशा करता हूँ आप सब लोग अगर पसंद करते हो वीडियो तो लाइक डेफिनेटली करोगे। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मैं कल कैंडलस्टिक्स की बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर जो पार्ट 1 है वो पोस्ट की है, तो उसको एक बार देख लीजिए। उससे पहले शुक्रवार को मैं 22 अक्टूबर के लिए जो इंट्राडे स्टॉक्स हैं उसकी थोड़ी सी चार्ट्स एक्सप्लेनेशन की है, वो भी देख लीजिए। इंट्राडे स्ट्रेटजीज के जो प्लेलिस्ट है वहां से आप वीडियोस पढ़िए, जिससे आपको इंट्राडे में ट्रेड करने में थोड़ी सी हेल्प मिले। और उसके साथ साथ कैंडलस्टिक्स की पूरा सीरीज चल रहा है उसको देखिए, और बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो का जो सीरीज चल रहा है उसको भी आप फॉलो कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा हिंदुस्तान यूनिलीवर का, कि सबसे बेहतरीन स्टॉक है, रिप्यूटेड स्टॉक्स है FMCG में। तो सबसे पहले चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट्स में मैं जो देख रहा हूँ तो एज ए वन डे पहले दिखाता हूँ तो समझ में थोड़ी सी हेल्प होगा। सॉरी, वीक से ही देखते हैं। वीक पे आप देखो कि पहले तो ये स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। सो अभी आपको दिख रहा है कि लास्ट जो एक रेंज था वो रेंज को इसने 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले ब्रेक कर चुका था। एज ए वीकली मैं बता रहा हूँ, इसमें ब्रेकआउट आए थे। तो पहले ब्रेकआउट में बहुत बार होते हैं कि वैलिडेशन नहीं मिलते हैं, इसलिए मैंने उस टाइम वीडियो नहीं बनाए हैं। तो जब दूसरी कैंडल बने वीक के तो वो थोड़ी सी शूटिंग स्टार बन गए थे, तो वहां पर शायद एक एग्जिट, अगर आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न देख रहे हो तो कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ी सी एग्जॉशन आए थे। मगर फिर से अभी जो लास्ट हफ्ते बने हैं वो लगभग उस शूटिंग स्टार के थोड़ी सी ऊपर जाके बंद किए हैं। तो डेफिनेटली अगर ये जो लास्ट हाई है 2116 उसके ऊपर अगर चलना चालू कर देते हैं तो बहुत अच्छी इन्वेस्टिंग क्राइटेरिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर आ जाते हैं। इसमें फिर से आप निवेश कर सकते हो 5-6 महीने या 1 साल मैक्सिमम के लिए, क्योंकि ये थोड़ी सी स्लैग काउंटर है, धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो उसमें रिटर्न भी धीरे धीरे आने वाला है। ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, रोज 0.5% 1% ऐसे करके मूवमेंट करते हैं। 2-3 महीने में एक आध दिन 3% 4% आपको दिखते हैं, ऐसे ही होते हैं। जितने भी रिप्यूटेड स्टॉक्स है वो रोज या 15 दिन में 7-8% नहीं भागते, एक दिन में धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं जिससे आपको पता ना चले। सो एक तो चीज है नीचे का ट्रेंड लाइन है, और मतलब इसको अगर मैं एक तरफ कहूँ तो असेंडिंग ट्रायंगल बन रहे हैं जिसका ब्रेकआउट आपको मिले हैं। तो अभी जैसे हुए एक कंटिन्यूएशन, एज ए कंटिन्यूएशन कैंडल इसमें बहुत बेहतरीन है। चाहो तो अगर इसमें ब्रेकआउट के बाद ही आप ले सकते थे, मगर वो एग्रेसिव है, अभी जो है थोड़ी सी कंजर्वेटिव लग रहा है। अब आगे जाके अगर 2120 के ऊपर चलते हैं तो इन्वेस्टमेंट मटेरियल है हिंदुस्तान यूनिलीवर। और स्टॉप लॉस जो रखना है पहले तो आप कर सकते हो, ये जो बेस लाइन है 1872 मतलब 1870 जो इसका अभी सपोर्ट है, जो पहले रेजिस्टेंस था, वो आप उसके थोड़ी सी नीचे मतलब 1850 के आसपास आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। मगर मैं कहूंगा कि जहां से जिस कैंडल ने इसमें ब्रेकआउट दी है उसके थोड़ी सी नीचे मतलब 1795 के नीचे मतलब 1790 या 1780 के नीचे स्टॉप लॉस रख के अगर आप 2120 या 130 के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक बेहतरीन माना जाता है। और इसका जो टारगेट है, क्योंकि अभी एज ए ऑल टाइम हाई चल रहे हैं तो एज ए कैंडलस्टिक सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये न्यू हाई है। सो उसमें अगर मैं एज ए मूविंग एवरेज देखूं
तो एज अ वीकली या डेली टोटली 4 SMA के ऊपर चल रहा है। आप ये में भी लगाओगे तो उसमें भी ऊपर चल रहा है। तो एज ए 4 SMA 20 SMA जो बता रहा है 1850 के आसपास है, धीरे धीरे ऊपर चले जाएंगे लगभग लगभग, क्योंकि मूविंग एवरेज वेरिएबल होते हैं। अगर मैं सही में जब कोई स्टॉक्स मैं जैसे करता हूँ, जब कोई स्टॉक्स न्यू हाई ऑल टाइम न्यू हाई पे चल रहा है, तब मेरे पास एज ए कैंडल स्टिक कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस सॉरी रेजिस्टेंस नहीं मिलते हैं, मूविंग एवरेज को भी कोई हार्डल नहीं होता है, तब मैं पिवोट पॉइंट यूज करता हूँ। तो मैं आपको पिवोट पॉइंट से इसकी थोड़ी सी टारगेट एज ए वीकली मतलब ईयरली पिवोट पॉइंट क्या बता रहा है वो बता देता हूँ। एज ए ईयरली पिवोट पॉइंट जो सबसे पहला हार्डल आपको दिख रहा है वो 2233 है, उसके बाद 2800 के आसपास इसका रेजिस्टेंस 3 है इस साल का। तो एज ए इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया आपका पहला टारगेट 2800 होना चाहिए और उसके ऊपर चलेगा तो और भी बेहतर है। एज ए पिवोट पॉइंट जो सपोर्ट आपके सामने है 2000 रुपीज है, 2000 के नीचे आएगा तो आपको लगेगा सेल है, मगर मैं जैसे कहा कि इस जिसने ब्रेकआउट लगाया है उसके थोड़ी सी नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओ, जो स्टॉप लॉस आपका 1795 के नीचे हो सकता है। सो एज ए इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया आप देख सकते हो स्टॉक्स अपनी अच्छी खासी एक रेंज बाउंड एरिया को ब्रेक करके चल रहे हैं, इसलिए मैंने इसको चॉइस किया है। तो आशा करता हूँ ये स्टॉक्स आपके लिए बेहतर होगा। दूसरे जो स्टॉक्स मुझे पसंद आ रहे वो है मनप्पुरम, ये भी ऐसे ही ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके चल रहे हैं और वैलिडेट एक ब्रेकआउट दी है। मैं यहां से दिखाता हूँ आपको, मेरा सेव है तो आप देख सकते हो एक चैनल में था, उस चैनल को अगर एज अ वीकली देखो तो उस चैनल को इसने ब्रेकआउट किया है। तो और दूसरे साथ साथ जो मतलब पिछले जो रेंज था उसको भी इसने मतलब लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन थे शुक्रवार को ब्रेकआउट दिया है और लास्ट प्राइस अभी 155 के आसपास है। ये भी ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। एज अ वीकली या मंथली ये चार्ट बहुत बेहतरीन है क्योंकि ये अभी ऑल टाइम हाई पे है और ये भी स्टॉक्स बेहतर है क्योंकि अभी तक जितने भी फिनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स देखे उसके हिसाब से मुथूट फाइनेंस मनप्पुरम फाइनेंस बेहतर माना जाता है मेरे हिसाब से। और इसने क्योंकि एक नया फिर से रेंज ब्रेकआउट करके नया ब्रेकआउट दिया है तो ये बेहतर स्टॉक हो सकते हैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। 1 साल 6 महीने के लिए आप अगर रखो तो सबसे पहले देखना होगा कि इसका जो पहला जो सपोर्ट इस वक्त है जो पहले रेजिस्टेंस था वो 144 के आसपास है, यहाँ के नीचे स्टॉपलॉस रख सकते हो मगर वो माइनर हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉपलॉस देखना है वो 130 के नीचे होगा जो इस एरिया पे है जहां से उसने ब्रेकआउट चालू किया है, जहां से ऊपर जाना चालू किया है उसके नीचे थोड़ी सी स्टॉप लॉस अगर हो तो वो सबसे ज्यादा अच्छा कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस होता है। तो 130 के नीचे या 129 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 100 अभी तो 155 चल रहे हैं तो उसके ऊपर ही आपका बाई मटेरियल स्टार्ट हो जाता है मनप्पुरम में। मनप्पुरम भी क्योंकि नया हाई लगा रहा है तो मुझे मनप्पुरम को एज ए पिवोट पॉइंट क्या प्राइस है वो देखना जरूरी है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला अभी जो पिवोट आपके सामने आ रहे हैं वो 162 के आसपास आ रहे हैं ईयरली पीपी, मगर उसे नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस 3 है वो 225 के आसपास है। अगर मैं मान लूँ कि 225 ना भी जाए तो 161 और 225 के बीच के जो रास्ता है वो लगभग लगभग 190 से 195 है, लगभग 200 रुपये तक ये स्टॉक्स पहला टारगेट अचीव कर सकते हैं। पूरे साल में देखें तो 220 225 तक स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं, इसलिए मैंने एज ए क्राइटेरिया इसको चॉइस किया। नीचे आप देखो कि मैंने मेरे हिसाब से भी 130 के नीचे स्टॉप लॉस है, पिवोट के हिसाब से भी 128.45 आपको पिवोट पॉइंट के सपोर्ट बता रहा है। तो आप 128 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 26 रुपये स्टॉप लॉस लगा के आप 30 से 40 रुपये की रिटर्न लेने की कोशिश इस मनप्पुरम में कर सकते हो। और एक चीज बता दूं, एक कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ चार्ट एनालिसिस है,
उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको देख लेना, क्योंकि इसका जो लॉन्ग चैनल है वो चैनल इसको टूट के उस ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है एक बार फिर भीतर आए, फिर भीतर आके फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर, क्योंकि यहाँ पे एक तो चैनल का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, और उसके साथ साथ जो नॉर्मल कैंडलस्टिक का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है उसका सपोर्ट है, तो दोनों सपोर्ट को एक साथ ब्रीच कर पाना थोड़ी सी मुश्किल है। अगर ब्रीच भी करते हैं तो वो फॉल्स ब्रीच हो सकता है, फिर से ऊपर चले जा सकते हैं, तो एज ए 6 months to 1 year एक बहुत बेहतरीन स्टॉक्स है। तो दो स्टॉक्स के नाम बताए जो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो फ्रेश ब्रेकआउट किए हैं, और उसके साथ साथ मणप्पुरम, ये दो स्टॉक्स आप रख दीजिए अपने रैडर पे। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो छोटी छोटी क्वांटिटी से कर सकते हो, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पहले आप अपने खुद से एनालिसिस कर लीजिए, आपको पसंद आता है तो तभी लीजिए, इसमें मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगा, हेल्पफुल लगता है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।